सिरोही एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वनकर्मी को रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है। एसीबी के एसपी जितेंद्र सिंह मेरतिया ने परिवादी की शिकायत पर यह कार्रवाई की है और जानकारी के अनुसार वनकर्मी ने सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भीमाणा गांव के भंवरलाल लोहार के कच्चे पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी और जिसको छोड़ने की एवज में 5,000 की रिश्वत मांगी थी। मौके पर 2,000 रुपए लेकर ट्रॉली को छोड़ दिया था और उसके बाद वनरक्षक रूपाराम ने आगे से हर महीने प्रार्थी को ट्रैक्टर संचालन के लिए 11,000 की मासिक बंदी देने की बात कही और जिस पर प्रार्थी की ओर से 5,000 रुपए 2-3 दिनों में देने पर समझौता हुआ और इसके बाद परिवादी भंवरलाल जैसे ही 5,000 रुपए वनरक्षक को देने पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। रिपोर्ट पेश करके बताया कि भीमाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट गार्ड है रुगाराम, वो ट्रैक्टर चलाने की एवज में जो मिट्टी के ये जो पत्थरों के जो ट्रैक्टर होते हैं इनको रोड पे चलाने की एवज में मासिक 11,000 रुपये की बंदी की मांग कर रहे हैं, जिस पर 5,000 रुपये का तय हुआ। इस बात का हमने गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया गया, सत्यापन सही पाया गया तो आज सुबह 8 बजे रुगाराम को फॉरेस्ट चौकी भीमाणा के अंदर 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों